लास्ट सैम्पल पेपर जो अपलोड किया था, आप उसके लिए उसके आंसर की भी आपके लिए रेडी है। लास्ट सैम्पल पेपर में मैंने जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया था उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पर कुछ वैल्यू मिस हो गई थी, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा यहाँ पर अटैच कर दिया है, तो आप देख सकते हो उसमें। बाकी क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना हो तो मैंने ऑलरेडी आपको जो वीडियो प्रोवाइड की है उस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा कहाँ आपको, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पे जब जाएंगे तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा, ना तो आपको फेसबुक चलाने की जरूरत है ना ट्विटर की, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, वो मैंने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर रखा है। और यहाँ पर एक बार उस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो था, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लास्ट में जो प्रोवाइड किया था वहाँ पे सिर्फ 20 पैसा लिखा हुआ था, जबकि 20 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स होगा। ओके, बाकी सब पेपर ओके था, नो प्रॉब्लम। और होपफुली आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे या सारा ही कर लिया होगा, बट बहुत सारे बच्चे तो करते ही नहीं हैं, वो एग्जाम टाइम आ गए बट उन्हें फिर भी टेंशन नहीं है, वो सिर्फ पहले तो उन्हें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करो और फिर उसी टाइम उन्हें सॉल्यूशन चाहिए होता है ऑन द स्पॉट, जबकि खुद से ट्राई नहीं करते, जबकि प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर दिया जाता है, तो आप लोग ट्राई किया करो खुद से भी, ताकि आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिट, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जाओगे तभी आपसे कुछ हो पाएगा एग्जाम में, नहीं तो फिर आप लटक जाओगे, तो इसलिए अच्छा है कि तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स के लिए, बाकी चीज़ आप रट सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन मैथ में जब तक आपका पेन नहीं चलेगा ना, जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे एग्जाम में उतना अच्छा नहीं होने वाला, ध्यान रखना, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। अब मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप वीडियोज़ को लाइक भी करना पड़ेगा, इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक्स इतने नहीं होते करते आप लोग, क्या आपको मतलब इससे क्या बेनिफिट नहीं मिल रहा, बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है मैंने, सारे क्वेश्चनों का, जिसमें जो और में जो है इंटरनल चॉइस जो है, जैसे उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी है सबका, और बाकी पेपर आप वहाँ से देख लेना, मैं इसे स्किप कर देता हूँ फटाफट। और एक बहुत ही अच्छा पेपर था, एक पेपर मैं आपको और प्रोवाइड करने वाला हूँ अभी बहुत जल्दी, मैं ट्राई करूँगा मैथ्स का एक पेपर और आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर सकूँ, और एक और अच्छा पेपर, ये सॉल्यूशन है इसका, पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आप वहाँ से देख लेना, A21 और A7 का डिफरेंस 84 दे रखा था और D की वैल्यू फाइंड करनी थी, N का फॉर्मूला अप्लाई करते ही आंसर कितना आ जाएगा आपका 6, इन केस ये क्वेश्चन वो ट्यूशन के स्टूडेंट्स ने ही किया है, मतलब मोस्टली एक ही स्टूडेंट के, इसमें एक ही स्टूडेंट का रोल है, शायद हो सकता है एक आधा स्टूडेंट और उनसे हेल्प किया, अंकित ने किया है पेपर पूरा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन या कुछ गलत हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसको क्रॉस चेक कर लूँगा, अदरवाइज चांसेस तो कम है बट फिर भी, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लेट द फर्स्ट रूट, जिसमें दो रूट्स लेट कर लेते, एक रूट दूसरे का 7 6 टाइम्स था, तो एक को अगर हमने एक्स ले लिया तो दूसरे को 6x, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू हमारे पास थी इक्वेशन में, तो अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा, दोनों को लगाए, दोनों फार्मूले को अप्लाई करके और वैल्यूज रिप्लेस करनी है, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये 7x हो जाएगा इक्वल्स टू में प्लस का 14 अपॉन में p, तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अब जब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, और उसके बाद इसे सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू 3 कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसी का और वाला जो क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन को वीडियो डाल रखा है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं चैनल पे, इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके वहाँ बताए, 4-5 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और ये आसानी से आप कर सकते हो, इसमें फैक्टराइजेशन करना था, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था, तो मुझे बताने की जरूरत इसमें नहीं है, आप कर सकते हो, इसका आंसर बस ध्यान रखना 3b/a और माइनस का 4a आएगा। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस इसमें पूछो, इसमें एक्स की वैल्यू पूछ रखी थी, तो इन दोनों में डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बोला हुआ था तो एक्स कॉमा 0 लेंगे और वाई एक्सिस बोलते हैं तो 0, y लेते, उसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना था, तो सॉल्व करके आंसर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ओके, और कोऑर्डिनेट जब बताओगे उसका पी का तो 3, 0, क्योंकि एक्स कॉमा 0 लिया था ना मैंने, एक्स की वैल्यू तो 3 आ गई और दूसरी वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में पी और क्यू दो प्राइम नंबर्स थे और उनका SCF LCM निकालना था, तो जब SCF निकालोगे तो SCF तो 1 आएगा क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, और LCM जब निकालोगे तो LCM में PQ उसका LCM आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखा है ट्रिगो वाली वीडियोज़ में, बाकी इसमें कुछ नहीं करना था, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही सॉल्व करके आंसर 2 आ जाएगा, a+b का होल स्क्वायर लग जाएगा, या फिर इसी का जो चॉइस वाला क्वेश्चन था इसमें भी जस्ट चेंज करना था, कॉस 90 माइनस ए तो साइन ए में चेंज हो जाएगा, इधर भी साइन 90 माइनस ए तो कॉस ए में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए और मल्टीप्लाई साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पैरामीटर दोनों ट्रायंगल का गिवन था और एक एक साइड दे रखी थी, उसी की उसके अकॉर्डिंग दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी थी। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू में ए बी अपॉन पी क्यू। बीपीटी रूल लगा सकते हैं आप उसमें, और उसके बाद क्रॉस इंटू करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू जो निकालनी थी 5.4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन थे। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो था वो सबसे लास्ट में किया हुआ, वो स्टार्टिंग में रह गया था, बच्चे ने छोड़ दिया था, तो बस बाद में फिर मैंने उसे बोला दोबारा करने के लिए, तो उसने लास्ट में करा। तो वीडियो के लास्ट में आपको 7th का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट वो मिल जाएगा आपको, और चॉइस में जो और में है वो आपको यहीं पर लिखा हुआ है, 7th लास्ट में मिलेगा आपको। ओके, तो लास्ट में देख लेना वीडियो में। ये रेशनल नंबर प्रूफ, इसको रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना था, तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरे को बताने की तो जरूरत नहीं है, आपने करा होगा ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर, और इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसलिए इसके स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है बट स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा लिखनी होती है। ये स्टेटमेंट सारी लिखनी पड़ेगी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसको स्किप कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें एक सीरीज दे रखी, तो इसमें नेगेटिव टर्म पूछा था, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो नेगेटिव टर्म जो भी होगा वो जीरो के बाद ही कुछ आएगा वैल्यू, तभी नेगेटिव होगा। तो फिर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ए एन जो होगा लेस देन होगा जीरो से, ए एन जीरो से छोटा होगा, ए की वैल्यू 20 है, ए टू की वैल्यू भी है, ए थ्री की वैल्यू भी है, हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी कैलकुलेट करेंगे तो -3/4 आएगा। अब फिर ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन जो होगा जीरो से छोटा होगा, तो ए एन का फॉर्मूला आएंगे लेस देन जीरो, सॉल्व करेंगे इसे एलसीएम लेके, यहाँ पे सॉल्व करना तो आपको आता होगा मल्टीप्लाई करके, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 27 2/3, इसका मतलब 27 से ज़्यादा, तो 27 से ज़्यादा क्या होगा तो 28 होगा, तो 28 टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। नेक्स्ट है, इसमें आप मिड पॉइंट के लिए पूछा हुआ था और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, तो मिड पॉइंट फार्मूला आपने पढ़ा है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। 7 चैप्टर पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान चैप्टर है, 7 मार्क्स का आना है लगभग, 6 to 7 मार्क्स, तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें लगभग। तो फार्मूला अप्लाई करते ही एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, उसको जब फिर दोबारा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट, फिर दोबारा से अप्लाई करेंगे कि दो बार लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम है, तो ए और बी की दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे और क्यू के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कार्ड्स वाला क्वेश्चन था, और ये आपको आता हुआ नहीं आता हुआ, तो कार्ड वाला अभी मैं कह रहा हूँ, मेरी वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे प्लेलिस्ट में, प्रोबेबिलिटी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो है, उसको कार्ड के बारे में, अगर कार्ड में अभी भी प्रॉब्लम है कि आपको बी समझ नहीं आता कौन से कार्ड कितने होते हैं क्या होता है, तो आप उसे एक बार उसको देख लो, 10-12 मिनट की वीडियो है, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कार्ड से आप कर पाओगे 100%। तो आंसर आपने चेक कर लेना आप इससे मैच करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 डाइस वाला क्वेश्चन है, 2 डाइस को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ, तो उसकी वीडियो भी एक सेपरेट वीडियो है प्रोबेबिलिटी वाली प्लेलिस्ट में, आप वहाँ भी उसे देख सकते हो, और नहीं तो आपको होपफुली अब आता होगा। 2 डाइस में टोटल आउटकम्स होते हैं, 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसा भी पूछा है, इसमें पूछा था टोटल नंबर्स हुज सम इज इवन, जिसको जोड़ने पे इवन है, इवन नंबर है, सम संख्या है, उसे 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 क्या होता है इवन नंबर होता है, ऐसे अगर 3 1 1 और 3 को जोड़ेंगे या 3 1 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा इवन नंबर आएगा, तो ऐसे जितने भी पॉसिबल है उन सबको लिख लेना था, उसका उसकी प्रॉबिलिटी बतानी थी, तो 18/36 दैट मीन्स 1/2, और इवन प्रोडक्ट बोला था जिसको मल्टीप्लाई करने पे इवन नंबर आए, तब वो नंबर छाटे थे जिसको मल्टीप्लाई करने पे इवन आएगा, और उसके बाद उसे सॉल्व करोगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसी क्वेश्चन में एरर था, तो 20 पैसा और 25 पैसा दोनों एक को एक्स ले लेंगे एक को वाई, और टोटल कॉइन्स 50 थे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 हो गया। फिर उसने बोला था कि उसके पास कॉइन्स तो 50 है लेकिन जो अमाउंट है टोटल वो 11 रुपीज़ 25 पैसे हैं, तो अगर अमाउंट को भी हम
उसे अमाउंट लेंगे, तो यहाँ पर भी जो कॉइन्स के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट बनेगा वो बनाएंगे। तो अगर 20 पैसे के एक्स कॉइन्स होंगे तो 20x रुपीज़ बनेंगे, और 25 पैसे के वाई कॉइन्स होंगे तो 25y बनेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 11.25। लेकिन 11 ये जो है पैसे पैसेज के अकॉर्डिंग है, 20 पैसे 25 पैसे और ये रुपीज़ में है, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20x प्लस 25y इक्वल्स टू में 1125। तो अब दोनों दो इक्वेशन बन गए, दोनों में एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन जो भी लगाना चाहें आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन लेके चाहो तो आप इक्वेशन को सॉर्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। उसके बाद सॉल्व करोगे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू 25 और एक्स की वैल्यू भी 25। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर की मैंने कराया हुआ ऑलरेडी एक क्वेश्चन जो आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स में प्रोवाइड किया था, और ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट पूछा हुआ था। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने, 6 टाइम्स 9 होती है। उसके बाद जो 3 अलग अलग नंबर दे रखे थे तो आपको करना क्या था, उसका एलसीएम निकालना था। उस एलसीएम जो भी उनका एलसीएम आएगा ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में, तो उसके एलसीएम से इसको डिवाइड करना हो। तो डिवाइड करोगे आप, तो डिवाइड करोगे तो ये इस तरीके से आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर इसमें कितना आएगा, 279। अब उस 279 को आप जो क्वेश्चन जो आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट 6 डिजिट नंबर लिया हुआ है उसमें से माइनस कर दीजिए। तो उसमें से माइनस करोगे आप तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एक ऐसा नंबर है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो गिवन जितने भी नंबर्स थे उनसे सबसे डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपको इक्वल डिवीजन रूल लगाना था, यानी एक ही ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर या एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसको वैल्यू जस्ट सब्सटीट्यूट करनी थी, वैल्यू पुट करनी थी, और वैल्यू पुट करके बाद सॉल्व करोगे, डिवाइड करना था लास्ट में, आंसर आ जाएगा आसानी से। ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर इसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा या फिर वैसे छोड़ दीजिए। आपको जी एक्स निकाला तो सब जी एक्स निकाल के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के ऑप्शन में जो क्वेश्चन था, जीरोज दो जीरोज दे रखे थे और थर्ड जीरोज फाइंड करना था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से लगातार आ रहा है। तो इसको कई सारे मेथड है करने के, आप जैसे भी कर सकते हैं। पहले आप इसे दो जीरोज को सॉल्व करेंगे, या तो ये पॉलिनोमियल बनाने की इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका थर्ड जीरोज हो जाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स के इक्वल टू में वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो -2 आएगा। डिवाइड करना आसान है, डिवाइड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट ईयर प्री बोर्ड में आया था बट बोर्ड में अभी नहीं आया, होपफुली क्या पता चला जाए। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इक्वेशन दे रखी थी, इसमें आपसे प्रूव करने के लिए बोला था, और क्वेश्चन बोला था इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स जब भी बोले तो डी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। डी इक्वल टू जीरो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल में जीरो रखिए और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा जो प्रूव करना था। छोटा सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मीडियन वाला, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपलोड नहीं किया, और उसमें कुछ क्वेश्चनों की रिक्वायरमेंट है कि जो आपको सीख के जाना चाहिए कि वो आ सकते हैं, और आसान चैप्टर है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करके जाएँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। हालांकि मैंने उसके तीनों वीडियो डाल रखे, तीनों पार्ट डाल रखे हैं, 7.1, 7.2 और 7.3, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक दो ही क्वेश्चन कराए हैं मैंने, एक्स्ट्रा तो उसमें कराए हैं बट एक दो क्वेश्चन करा रखे हैं। तो इसमें मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है कि x इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन में 3। ये मीडियन कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है, वहाँ पर देख लेना आप पार्ट टू में होगा शायद। तो और y के लिए क्या होता है, x y1 प्लस y2 अपॉन में y3। फॉर्मूले को अप्लाई करना था, x और y की वैल्यू आ जाएगी, जो इक्वेशन गिवन थी, ये जो इक्वेशन गिवन थी, x और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2 और 3। अब इस इक्वेशन में इसमें x और y की जगह वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो k की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी के और में चॉइस में एक क्वेश्चन था जिसमें इसमें रिलेशन निकालने थे, तो उसमें इक्वल डिस्टेंस बोला हुआ था, तो इन दोनों के बीच की दूरी AP और BP की दूरी बराबर रखनी थी इक्वल में डिस्टेंस, और सॉल्व करना था बस डिस्टेंस फार्मूला लगा के। इक्वल डिस्टेंस जब भी बोलेगा तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, रेशो की बात करेगा तो सेक्शन फार्मूला लगाना है, और कॉलिनियर वर्ड यूज करेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया पर्टिकुलर साफ साफ लिखा होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं बहुत सारे, ट्रिकों के तो 10 वीडियोज हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। इसका आंसर जो आने वाला है इसका, ए की वैल्यू 60 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का था,
और ये भी मैंने कराया हुआ है चैनल पे, या आपने कर रखा होगा आपको आता होगा, जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, इन दोनों में स्क्वायरिंग करना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे दोनों में, उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल करेंगे, बाकी जो फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो वन हो जाएगा, फिर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस एक स्क्वायर की जगह लिख लिया है, और सेक स्क्वायर की जगह वन प्लस टेन स्क्वायर। अब इसमें जब फिर सबको जोड़ेंगे तो फाइव और टू सेवन हो जाएगा, सेवन कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा। बाकी अगर डिटेल में समझना हो तो आप वीडियो देख लेना, प्ले लिस्ट में है वीडियोज। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक ईजी क्वेश्चन था, और ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो कई बार आ चुका है पहले, जिसमें डायग्राम खुद बनाया था क्वेश्चन में, सारी चीज़ें गिवन थी, बी पे 90 डिग्री था, तो इसमें आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, जो भी इक्वल है वो सारे इक्वल दिखा होगा, पहले बी की इक्वल टू बी पी है, एस एस सी की इक्वल टू सी आर है, डी आर और डी एस बराबर ए पी और ए एस बराबर है, जिसकी वैल्यू जितनी दे रखी तो सारी लिख लोगे और बाकी वैल्यू सब निकालोगे सॉल्व करके माइनस करके। यहाँ पे वैल्यू डायग्राम में नहीं लिखी, आप लिख लेना अच्छा रहेगा, जो भी गिवन है जितना सॉल्व करोगे वैल्यूज निकलती जाएंगी। उसके बाद आपको पता है ये 90 डिग्री दे रखा है, और रेडियस जो होती है ना, रेडियस वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी 90 होगा, और यहाँ से ओपी जो है ये इधर वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो तीन एंगल 90 के हो गए। चौथा यानी जो पी ओ आर पी ओ क्यू होगा वो एंगल, ये भी 90 हो जाएगा, तीन 90 तो चौथा भी 90, तो पी ओ क्यू आर जो है ना, पी ओ क्यू बी, ये क्या प्रूव हो जाएगा, ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर है, चारों एंगल बराबर है, तो अगर चारों एंगल बराबर तो जितना जितनी साइड से ये आएंगे उतनी तो रेडियस भी आने वाले इसके, यानी कि आंसर आपका लास्ट में आ जाएगा आसानी से 11 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन, जस्ट इससे अगला जो नंबर का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है लास्ट ईयर, तो उम्मीद करता हूँ कि इस साल ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि इसी के आसपास से क्वेश्चन आएगा 6.5 से 6.4 से 4 5 5 से 4 से भी आया हुआ था लास्ट ईयर एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 से भी आया था। तो इसको आप कर सकते हो, आता होगा आप लोगों को। पाइथागोरस लगाना, ज्यादा कुछ नहीं करना बस। ये जो प्रूफ करना था वो लास्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये मैं ऑलरेडी चैनल पे करा चुका हूँ, तो इसको आप देख लेना। इसमें तो प्रूव करना था, तो इसमें कुछ आंसर के तो पहले से आपको पता था, इसका वीडियो ऑलरेडी है प्लेलिस्ट पे, आप चैनल पे जाकर देख लेना, ट्रायंगल्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें इस 5-6 क्वेश्चन ने कराया है, उसमें ये क्वेश्चन भी है, ये आपको आसानी से कर पाओगे। ये एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें आपको ऊपर जो मेजर सेक्टर, मेजर जो बन रहा है ना आपका मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए और ट्रायंगल का एरिया, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते कि पूरे सर्कल में से पहले जो माइनर सेक्टर है उसको माइनस कर लेंगे और प्लस में एरिया ट्रायंगल जोड़ देंगे, तो भी आंसर आ जाएगा। वो जैसे आपको पर डिपेंड करता है आंसर इतना आएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहाँ से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 कैनल वाला क्वेश्चन था, इसमें ब्रेथ दे रखी थी, हाइट भी दे रखी थी, और उसकी स्पीड जो थी वही आपकी लेंथ बन जाएगी जब इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करेंगे, तो उसके बाद इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे 40 मिनट के लिए, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, जो भी वॉल्यूम आएगा उसको 40 से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड, वो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। अब उसके बाद क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 40 मिनट्स फ्रॉम कैनल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैनल इरीगेट द रिक्वायर्ड एरिया। तो इसमें आप करना क्या है, हालांकि थोड़ी सी स्टेटमेंट सही नहीं लिखे लड़के ने, बट आप थोड़ा सा सही कर देना अपने आप। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ चुका है और इक्वल टू में एरिया मल्टीप्लाई हाइट, तो उसने बोला है स्टैंडिंग वाटर कितना है, पानी 10 मीटर ऊंचा चाहिए उसमें, 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब ये जो इसे डिवाइड करोगे तो एरिया निकालना था, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर तो दे रखा था, तो जो हाइट है 10 सेंटीमीटर उसे डिवाइड करोगे, यानी एक्चुअली में हमें इस वॉल्यूम को 10 से डिवाइड करना था, लेकिन क्या है कि वो 10 सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 और लगाना पड़ेगा, तो उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें पानी की हाइट जो छत पे बारिश हो रही है और बारिश होगी तो फिर पानी की हाइट कितनी बढ़ जाएगी, राइज उसका लेवल कितना राइज करेगा वो बताना था, इसी का चॉइस में क्वेश्चन था।
तो रूफ़ की लेंथ भी दे रखी थी, ब्रेथ भी दे रखी थी, टैंक की रेडियस भी दे रखी थी, तो जो उसमें से पानी गिरेगा छत पे जो बारिश का होगा उसका पानी जो टैंक में जाएगा, तो उस टैंक के लिए रेडियस और हाइट सब दे रखी थी। तो दोनों का रेडियस, दोनों का वॉल्यूम तो बराबर हुआ, जितनी छत पर बारिश होगी उतना ही पानी तो टैंक में जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल में रख के और आपको जो रूफ़ की हाइट निकालनी है वो हाइट निकाल दोगे, रूफ़ की हाइट कितनी आएगी, 1/14 मीटर। तो ऊपर छत पे हाइट, छत की जो हाइट होनी है इसका मतलब क्या होगा, उसमें हम ऊपर जो छत पे जो पानी गिर रहा है उसकी हाइट की हम बात कर रहे हैं, तो वही जो हाइट होगी 2.5, वही हाइट ऑफ रेनफॉल होगा, पानी जो बारिश हुई है, वर्षा की ऊंचाई, पानी की वर्षा के पानी की मात्रा की ऊंचाई के कितना लेवल तक पानी उठेगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपको आता है एनसीईआरटी को और इसको मैंने करा भी रखा है, ये एक वीडियो जो डाल रखी स्टैटिक्स की जिसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और उसमें सारे पूरे चैप्टर कवर कर दिया है, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर यहाँ भी समझ में आ जाएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। मोड निकालना है, इसमें मोड का फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करना है आपको, और मोड का फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त ध्यान के रखना होता है कि जो वैल्यू गिवन होती है ना यहाँ पे एफ़ फ्रीक्वेंसी, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो F1 होती है, उससे ऊपर वाली F0, और ये बड़ी वाली जो वैल्यू हमने ली ना F1, इससे नीचे वाली वैल्यू F2, और जिसमें हमने F1 लिया, जिसमें हमने F1, जिसको हमने F1 लिया, इसी के सिराई में आगे जो है हमारे पास, इसी के जस्ट सामने वाली लाइन में, रो में, इधर स्टार्टिंग जो छोटी वैल्यू जो होती है ना इनिशियल वैल्यू, उसको हम L बोलते हैं, और इनका जितना का गैप होता है ना, जितने का डिफरेंस, उसी को हम H बोलते हैं। तो L भी आपको पता चल जाएगा, L क्या लिया हमने, F1 F0 और H F2, उसको बस फॉर्मूले अप्लाई करो, वैल्यू पुट करके फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 14.6। क्वेश्चन नंबर 23, ये टैप वाला क्वेश्चन है, तो इसमें लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय लार्जर टैप इक्वल टू एक्स, और स्मॉलर टैप का, स्मॉलर टैप जो है उसका x+3 को ज़्यादा टाइम लेगा, तो पोर्शन कितना पानी भर पाएगा, वो कितना पोर्शन उस पानी का टैंक का कितना हिस्सा भर पाएगा, तो 1/x और दूसरा हो जाएगा 1/x+3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिला के अगर एक से चालू करते कितने 40/3 13 मिनट में, तो टोटल टैंक भर जाएगा, टोटल पोर्शन जो भी होगा उसका, हमने 1 पार्ट मान लिया है ओवरऑल को, सॉल्व करेंगे तो उसके बाद इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, एक तो नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव हो नहीं सकता तो पॉजिटिव यानी 5, तो एक तो 5 होगा और दूसरा हमने कितना लिया था x+5, तो दूसरा कितना होगा 8, तो 5 आवर्स और 8 आवर्स लगेंगे। इसी के चॉइस में एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये स्वांस वाला क्वेश्चन, इस टाइप के कई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एक कैमल वाला क्वेश्चन भी है आरडी शर्मा में, और एक भीम अर्जुन वाला क्वेश्चन भी है जो मैं 4 मार्क्स के सीट में ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्वांस इक्वल टू एक्स मान लो, और क्वेश्चन में गिवन था कि स्वांस आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ टैंक से किनारे में, उसको वो कितना था जो टोटल था ना उसका स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स, तो एक्स का स्क्वायर रूट कितना होगा, रूट एक्स हो जाएगा, उसका 7/2 टाइम्स यानी कि 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग स्वांस 2 थे उसमें, अब इन्हीं सबको हम टोटल कर लें, ये और ये इनका टोटल कर लें, तो टोटल हमारे पास कितना हमें मान लिया, टोटल को हमने एक्स माना है, तो इन दोनों को अगर मिला दें तो दोनों को प्लस कर देंगे, इक्वल टू में क्या ले लेंगे एक्स, उसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इक्वेशन आएगी। अब इसको हम फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग चलाना पड़ेगा, रूट एक्स को हम वाई मान लेते हैं, तो रूट एक्स को भी अगर आप वाई एज्यूम कर लो या कुछ और भी कोई भी वेरिएबल जो भी मन करे आपका, तो रूट एक्स को हमने वाई एज्यूम किया तो रूट एक्स की जगह तो वाई आ जाएगा, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो अगर रूट एक्स की जगह वाई लिया आपने तो एक्स, तो रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है ना, रूट एक्स और रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, तो एक्स की जगह तो आप क्या लिख सकते हो वाई स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू आपने वाई ली है ना, क्योंकि आप जो मैं समझाने जा रहा हूँ कि रूट एक्स ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इधर, तो रूट एक्स हमने वाई ले लिया तो रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स एक्स होता है, तो रूट एक्स की वैल्यू अगर मैंने वाई ली तो वाई मल्टीप्लाई वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक्स को वाई स्क्वायर से, अगर फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम तो बोल देना, इसकी वीडियो में अलग से बना के अपलोड कर दूंगा इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है कि भाई क्या नोटिस करना है, किस तरीके से हमें इस वैल्यू को रिप्लेस करनी है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव को इग्नोर करोगे पॉजिटिव वैल्यू लोगे, हमने रूट एक्स को वाई एज्यूम किया था तो रूट एक्स की वाई की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, अब यहाँ से रूट हटाओगे तो इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्वांस कितने थे 16। क्वेश्चन नंबर 24 बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, इसका वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से, आंसर ऑलरेडी उसने बोला था एक प्रूव करने के लिए, तो आंसर की भी जरूरत नहीं थी आपको, सॉल्यूशन ऑलरेडी बता रखा है, ये आपको आता होगा। इसी के चॉइस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
कि इसने बोला कि हर अगले दिन वर्कर्स घटते चले जाते हैं, तो वर्कर्स घटते जाते हैं तो ड्रॉप होते जाते हैं, तो कैसे किस तरीके से, तो टोटल जिस तरह यहाँ पे जो एपी बनेगी और 150 वर्कर जितने दिन काम करेंगे घटते हुए एन माइनस 8 डेज तक, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी आरडी सर्वे में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर पहले पढ़ना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, आपको आसानी से समझ में आएगा। सॉल्यूशन पूरा क्लियर किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो वैल्यू आएंगे, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव जो होगा वो आंसर, यानी काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 25 दिन में कंप्लीट होगा काम। क्वेश्चन नंबर 25, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ लिया होगा, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम थी, एनसीईआरटी से आपने पढ़ा होगा, तो सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, थ्योरम तो सारे रट लो बिल्कुल, थ्योरम से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही है इस बार, तो थ्योरम के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए थ्योरम जो 3-4 थ्योरम है 6th चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो है, और 10th चैप्टर में भी सर्कल वाले में भी एक दो थ्योरम है, उन्हें भी आप अच्छे से कर लो, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है, तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है और आपने कर भी रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन करना था, इसमें आप सबसे पहले आपको थर्ड एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लाइन बीसी नीचे लोगे तो बीसी पे, बीसी के लिए आपके पास बी पे और सी पे दोनों पे एंगल होना चाहिए, तो सी पे एंगल नहीं है, तो आप पहले सम ऑफ ट्रायंगल लगा के, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसके बाद बनाओगे। तो कंस्ट्रक्शन आपने 11th में सीख लिया होगा, 11th चैप्टर जो है आपका, 10th में सीखा होगा, 11th चैप्टर में, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स का आना है, तो आप फ्री के मार्क्स है भाई कंस्ट्रक्शन के, अभी भी टाइम है, नहीं आता तो अभी भी सीख लो टीचर से अपने, या बहुत सारे चैनल पे अपलोड भी कर रखा है उन लोगों ने इसका सॉल्यूशन, आप वहाँ देख लो, जहाँ से मिले वहाँ से सीख लो, ऐसा नहीं कि किसी चैनल से दुश्मनी है और किसी चैनल से नफरत है या किसी चैनल से बहुत लगाव है, जहाँ आपका भला हो वहाँ से आप सीखो, एग्जाम टाइम है, मार्क्स लाने, बस किसी भी तरीके से आप, मेरा भी मोटिव और आपका मोटिव एक ही होना चाहिए कि आपके मार्क्स आने चाहिए, वो कैसे भी आए, ओके, तो पढ़ाई करो बस, और ये कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो आंसर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 4 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 27, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, अपोजिट डायरेक्शन में बोला था, तो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में आपको दो पॉइंट्स लेने थे, दो रिवर्स था या दो जो भी था क्वेश्चन में गिवन, देख लेने एक बार क्या था, नदी के दोनों किनारे की बात की गई थी, एक तरफ 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, एक तरफ 60 डिग्री का एंगल, और इसकी हाइट दे रखी थी ऑलरेडी 300 मीटर, जो एक प्लेन एरोप्लेन जो उड़ रहा था वो कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था, 300 मीटर की ऊंचाई पे। अब उसके बाद इसमें भी इस ट्राइंगल में भी सॉल्व करना था, टेन थीटा पी अपॉन बी वाला कंडीशन लगानी थी, इस ट्राइंगल में भी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ये देखो दोनों की वैल्यू आएगी, दोनों का डिस्टेंस, क्योंकि ये जो डायग्राम से में हमें इस टोटल का डिस्टेंस निकालनी थी, बीसी प्लस सीडी निकालना था, बीसी और सीडी की वैल्यू आ जाएगी, बीसी की वैल्यू 300 और सीडी की वैल्यू भी आ जाएगी, दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर 473.2 मीटर आ जाएगा। देखो वीडियो कितनी बड़ी हुई सारा समझाने में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट इस एनसीईआरटी में जो वहाँ पे 6 प्रूव करना, यहाँ पे आपको एक्स ओवर वाई के फॉर्म में दे दिया था, तो एक एंगल को आप थीटा मान लीजिए, एक को 90 माइनस थीटा, क्योंकि उसने बोला हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, दैट मीन दोनों का सम 90 होना चाहिए, इस पॉइंट से यहाँ के बी सी की डिस्टेंस एक्स दे रखी थी और बी से डी की डिस्टेंस वाई, आपको प्रूव करना था कि हाइट जो है रूट एक्स वाई है, तो यहाँ पे भी अब सेम कंडीशन, टेन थीटा अप्लाई करेंगे पी अपॉन बी, और बड़े वाले में भी यही टेन थीटा पी अपॉन बी सॉल्व करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा, दो कंडीशन बनेगी, दोनों को इक्वल में रखेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, और ए बी पे से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये ऑलरेडी आपने कर रखा है, मैंने पहले भी कई बार करा दिया इसे, वीडियोज में भी है, और इसका सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया था 4 मार्क्स में वहाँ पे भी दे रखा है, इसको आपको प्रोवाइड कर रखा है, एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है, आप कर पाओगे इसे आसानी से, मीडियन सॉल्व करना है, मीडियन फॉर्मूला लगा के आंसर आप मैच कर सकते हैं, 7 और 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, डबल कोन का क्वेश्चन है, ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो डबल कोन में यहाँ पे इसने बोला राइट एंगल ना पहले बनाने, तो राइट एंगल हमने बना लिया, और उसी को मतलब हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग रोटेट करना है, तो हाइपोटेनस ये वाली साइड है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो जस्ट नीचे बनेगा, तो जस्ट ऊपर से ही नीचे आ जाएगा, और उसके बाद फिर डबल कोन की बात करें, तो कोन आप बच्चे सोचते हैं कि ऐसे मिला लें, ऐसे यहाँ से ऐसे करके ऐसे, तो कोन ऐसे नहीं बन पाएगा, कोन ऐसे बनेगा, उसके पीछे रीजन क्या है कि जो भी कोन होता है ना उसके स्लैंट हाइट सेम होती है दोनों साइड, तो अगर आप ऐसे बनाओगे तो स्लैंट हाइट तो इधर 20 इधर 15 तो सेम नहीं हो सकता, बट जब आप ऐसे बनाओगे इसे और फिर देखो कोन बनता हो, तो इधर भी 20 इधर भी 20, देखो इधर 15 इधर 15, तो यहाँ से दो कोन बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक कोन इधर वाला और एक कोन इधर वाला, तो डबल कोन का वॉल्यूम निकालना था या TSS CSE जो भी पूछा होता, तो दोनों कोन का निकाल के और सॉल्व करते, बस थोड़ा सा टाइम क्या खराब होगा आपको ध्यान रखना, जो हाइट ना तो ये पता है हमें ना ये पता है, पूरे अलग अलग ओवरऑल तो 25 पता है, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा ध्यान से उसे सॉल्व करने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पाइथागोरस लगाना है और कुछ नहीं करना, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, दो जो भी आपने ज्यूम किया हुआ है, ओ बी को एक्स मान लिया है
ओ ए को वाई, तो ओ सी कितना होगा 25 माइनस एक्स, उसके बाद पाइथागोरस दो बार लगाएंगे दोनों ट्राइंगल में, पाइथागोरस लगा के सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 16, वाई की वैल्यू 12। उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ डबल कोन निकालना, तो पहले फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट कोन का वॉल्यूम प्लस सेकंड कोन का वॉल्यूम सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद सरफेस एरिया भी निकालना था डबल कोन का, तो सी एस ऑफ फर्स्ट कोन प्लस सी एस ऑफ सेकंड कोन सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसे करके जाना, अगर एनसीईआरटी से सेम आना हो तो क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ समझ नहीं आया तो इसे छोड़ देना, वीडियो जो है प्लेलिस्ट में उसमें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, इसका सॉल्यूशन पूरा समझा रखा है, वहाँ पर आप सीख लेना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो स्टार्टिंग में रह गया था वो देख लो कैसे था, ए प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी दे रखा था, उसने बोलता है ए और सी बराबर है, अगर ए और सी इक्वल है तो ये इसे तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये दोनों तो इक्वल है तो आपस में कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा रूट बी इक्वल टू में रूट डी। अब इसको अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे या वैसे भी आप रूट से रूट काट सकते हो तो बी इक्वल टू डी भी आ गया, अगर आप ये तो हमने एक बार मान लिया कि इफ ए और सी बराबर है, अगर आप ए और सी नॉट इक्वल हैं तब क्या होगा, तो अगर नॉट इक्वल है तो मान लो जैसे ए और सी मान लो 5-5 था, मान लो 5-5 कोई वैल्यू मान लो 5 और 5 है, दोनों अभी बराबर थे, अब मैंने मान लिया कि दोनों बराबर नहीं है, है ना, तो मैं चाहे तो यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं, यानी मतलब मैं ये दिखाऊँ, अगर मुझे ये दिखाने के बराबर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए इक्वल टू सी प्लस एक्स लिख लो या सी माइनस एक्स, मतलब ए कोई भी जो भी वैल्यू होगी और सी जो वैल्यू होगी इधर जो टर्म होगी वो ए से ज़्यादा होगी या कम होगी, ऐसे तो कुछ होगा ना, तो दोनों मतलब आपस में इक्वल नहीं, तो अलग अलग कंडीशन ले ली हमने, और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो ए प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी था ना, तो ए की वैल्यू जो हमने अज्यूम कर ली है यहाँ पे सी प्लस एक्स वो यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे सी से सी कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू रूट बी इक्वल एक्स प्लस रूट बी इक्वल टू रूट डी आ जाएगा। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, आर डी शर्मा में क्वेश्चन गिवन है, आप आर डी शर्मा में भी देख सकते हो इसका सॉल्यूशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे सॉल्व करके इससे रूट बी की वैल्यू निकाल लेंगे, रूट बी इक्वल टू कंडीशन आ जाएगी। अब हम लिखेंगे डी एक्स एंड बी आर रैशनल नंबर, सो जो भी कंडीशन आई है ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, देन रूट बी इज ऑल्सो रैशनल नंबर, हेंस बी इज द स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट रूट डी इक्वल टू, रूट डी इक्वल टू कितना आएगा वो लिख लेंगे, और ऑल्सो रूट डी इज अ रैशनल नंबर, और यहाँ पे डी इज द है थोड़ा सा गलत लिख दिया स्पेलिंग सही से नहीं लिखे ढंग से, डी इज द स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, हेंस आइदर ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, और बी एंड डी आर द स्क्वायर ऑफ द रैशनल नंबर्स। मुझे पता आप लोगों को समझ तो नहीं आया हुआ इस क्वेश्चन को, या तो देखें जरूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा अलग से वीडियो की बनाकर समझा दूंगा आपको, अदरवाइज आप इसे ट्राई करना टीचर से पूछना शायद आपको समझा सकें, या फिर आप इसका सॉल्यूशन आर डी शर्मा में देखना, सेम सॉल्यूशन तो सेम ही होगा वहाँ पर, सॉल्यूशन में कुछ नया नहीं होगा, बट ट्राई करके देखना शायद हो जाए आपसे, या आप लोगों ने कर भी लिया हो, नहीं तो जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, 8वें का जो है ना चॉइस वाला जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में रह गया था नहीं अपलोड किया था सॉल्यूशन, वो अब देखो कितनी बड़ी वीडियो हो गई है, 35 मिनट के लगभग वीडियो होने वाली है, अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा देखना, बट ये कि समझाना पड़ता है कुछ कुछ क्वेश्चनों को, तो दिक्कत हो जाए। यहाँ पे देखो A9 इक्वल टू A2 का सेकंड टर्म 7 टाइम्स बोला था, सेकंड टर्म का 7 टाइम्स, तो आप यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगाओगे, और फिर उसने बोलता है 12 टर्म्स जो है ना वो फिफ्थ टर्म्स के थर्ड टर्म के 5 टाइम्स से 2 ज़्यादा है, तो अब A12 - 5 A3 = 2, अब यहाँ पे भी एन का फॉर्मूला लगाओगे, दो इक्वेशन बन गए, अब दोनों को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन कैसे भी कर लो सॉल्व, इससे ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, आपको क्वेश्चन नंबर डी की वैल्यू निकालनी थी, आंसर 6 आ जाएगा। तो अब वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक भी शेयर करना जिन जिन लोगों तक, और पेपर जिन्होंने नहीं देखा वो पेपर देख लेना वहाँ आराम से और ट्राई करना।